subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world. ये रिश्ता क्या कहलाता है, मैं यूं तो हम आपको बता चुके हैं कि किस तरीके से एक के बाद एक नए टर्न्स आने वाले हैं, लेकिन इस बार कीर्ति के साथ जो हुआ है वो अपने आप में ही कोई बहुत छोटी बात नहीं है, क्योंकि कीर्ति का पहले ही मिसकैरेज हुआ था। कहीं ना कहीं सभी ने इस बात का दोषी नायरा को ठहराया था, और अब जो कुछ हुआ है उसमें भी डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली नायरा का ही हाथ बताया जा रहा है, क्योंकि ना तो वो आदित्य को पकड़ती, ना ही वो सबको लाती, और ना ही आदित्य नशे की हालत में गाड़ियों को टक्कर मारने का काम करता। लेकिन अब आप सभी को ये भी देखने को मिलने वाला है कि जहां खुद गोयनका परिवार इस बार नायरा के साथ खड़ा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन इस बार सिंघानिया तोड़ने वाले हैं अपनी ही बिटिया से सारे रिश्ते। बल्कि खबरों की माने तो नायरा से सारे रिश्ते तोड़ने वाला है नक्श, यानी कि नक्श से ही शुरुआत होने वाली है रिश्ते टूटने की, जहां पे कीर्ति की हालत का जिम्मेदार वो सीधा सीधा ठहराने वाला है किसी और को नहीं बल्कि नायरा को, और कहने वाला है कि आज से नायरा का और उसका कोई रिश्ता नहीं है। हालांकि कैसे बर्दाश्त कर पाएगी प्रेग्नेंट नायरा इस पूरी कहानी को, इस पूरी बात को, नक्श का ही इतने बड़े स्टेटमेंट हो, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल 24x7 ऑनलाइन न्यूज। सब्सक्राइब अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट ऑफ योर वर्ल्ड।